हेलो हाय सलाम नमस्ते वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। और आज के वीडियो में मेरे साथ है फोक्सवैगन की टिगुआन और इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ दिस कार। सबसे पहले चेकआउट द बूट स्पेस। इतनी स्पेस आपको मिलती है इस गाड़ी में जब आपको लगेज कैरी करना है। एंड अंडर दिस ट्रे यू हैव अ स्पेयर व्हील जो काफ़ी अच्छे से पोजिशन किया गया है। सारे इक्विपमेंट, सारे ही टूल्स जो हैं, देखिए किस तरीके से अच्छे से यहाँ पे रखे गए हैं। दिस इज एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड टेलगेट, तो बटन प्रेस करते ही इट विल शट इट बाय इटसेल्फ, तो आपको मैन्युअली इस टेलगेट को पुश करने की ज़रूरत नहीं है। देन व्हेन यू स्टेप इनसाइड द फोक्सवैगन टिगुआन यू आर ग्रीटेड विथ ऑल ब्लैक इंटीरियर्स। तो अभी आप देख सकते हो पूरी तरीके से ब्लैक फिनिश दी गई है यहाँ पे ऑन द इंटीरियर्स एंड इट लुक्स वेरी वेरी नाइस। यहाँ पे जो टेक्सचर्ड पैटर्न भी दिया गया है, दिस फील्स ग्लॉस टू टच बट दिखने में ये काफी अच्छा दिखाई देता है। दिस इज नॉट रियली अ कार्बन फाइबर फिनिश लेकिन फिर भी काफी अच्छा दिखता है ये। एंड ऑल्दो ऑल ब्लैक, ये गाड़ी जो है आपको ज्यादा छोटी नहीं लगेगी ऑन द इनसाइड बिकॉज यू गेट अ नाइस पैनोरामिक ग्लास रूफ हियर। तो ग्लास एरिया देखिए कितनी बड़ी है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा लाइट अंदर कैबिन में आते रहती है और आपको इस वजह से बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा इनसाइड द फोक्सवैगन टिगुआन। नाउ टॉकिंग अबाउट स्मॉल थिंग्स इनसाइड द कार, यू गेट अ वेरी नाइस लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से ये दिखता है। यू हैव ग्लॉस ब्लैक फिनिश ऑन द स्टीयरिंग व्हील, अ लिटिल डोज ऑफ क्रोम सिल्वर सैटिन फिनिश। लेफ्ट साइड पे जो कंट्रोल्स हैं दे आर फॉर योर क्रूज कंट्रोल्स, राइट साइड पे जो कंट्रोल हैं दे आर फॉर योर MID एंड देन यू हैव योर वॉल्यूम रॉकर एंड योर ट्रैक चेंजिंग बटन एज वेल। जस्ट इन केस अगर आपको गाड़ी थोड़ी स्पोर्टी वे में चलानी है तो यहाँ पे आपको पैडल शिफ्ट भी दिए गए हैं इन द टिगुआन। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इट इज वेरी नाइस एंड क्लासी, वाइट बैकलिट, सिंपल, नॉट टू मच ऑफ ड्रामा। बीच में जो है एक अच्छी MID भी आपको दी गई है। इट शोज यू अ प्लेथोरा ऑफ डेटा, जैसे कि आपको ड्राइविंग डेटा बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। देन यू हैव योर म्यूजिक सेटिंग्स जो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, कॉल सेटिंग्स, कार सेटिंग्स, एंड देन यू कैन हैव अ वेरी गुड ड्राइव इन योर टिगुआन। सो देयर इज नथिंग रियली दैट यू आर गोइंग टू मिस इन द MID डिपार्टमेंट। तो सारा ही डेटा जो है इट विल बी इन फ्रंट ऑफ योर आईज। लुकिंग एट द सेंटर कंसोल, ये देखिए दिस इज ऑल्सो ऑल ब्लैक, हल्का सा ग्रे फिनिश यहाँ पे दिया गया है, सो इट लुक्स नाइस, इट ब्रेक्स द मोनोटनी। स्क्रीन की टच भी काफी अच्छी है एंड इट शोज यू अ लॉट ऑफ डेटा। यहाँ पे आप देख सकते हो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आपने ऑयल कब चेंज करना है वो भी आपको दिखाई देता है। एंड देन यू हैव दिस थिंक ब्लू ट्रेनर विच शोज यू हाउ यू हैव बीन ड्राइविंग, तो आपको एक स्कोर मिलता है। एंड देन यू हैव दीज टिप्स एज वेल कि आपने गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, वॉट शुड यू डू टू यू नो गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस टिगुआन। यहाँ पे इन दिस कार आपको एक ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। यू हैव हीटेड सीट्स, तो ये बटन प्रेस करने के बाद सीट्स जो है वो हीट हो जाएंगी। देर इज नो कूलिंग फंक्शनैलिटी ऑन द सीट्स, आई विश कूलिंग दिया गया होता क्योंकि इंडियन वेदर में हीटेड सीट्स का तो वैसे कोई यूज नहीं है। AC परफॉर्मेंस इज ब्रिलियंट। ग्लव बॉक्स में भी आपको एक कूल्ड सेक्शन मिलता है, सो जस्ट मेक यूज ऑफ दिस नॉब एंड यू कैन हैव योर बेवरेजेस चिल्ड ओवर हियर। बाय द वे यू हैव अ CD चेंजर एज वेल इन दिस टिगुआन। फ्लोर कंसोल एरिया में जब आप आओगे यू विल नोटिस दिस गियर कंसोल, गियर सिलेक्टर एरिया, दिस इज योर पार्क असिस्ट फंक्शन, दिस इज फॉर योर ट्रैक्शन कंट्रोल, दिस इज योर ऑटो होल्ड, दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक एंड द गियर सिलेक्टर ओवरऑल फील्स वेरी नाइस टू यूज एंड इट फील्स गुड इन योर हैंड। इसको लेफ्ट साइड में पुश करने के बाद यू कैन मेक यूज ऑफ टिप्ट्रॉनिक मोड जस्ट इन केस यू वांट टू चेंज गियर्स मैन्युअली विथ योर हैंड ओवर हियर, अदरवाइज आपको यहाँ पे पेडल शिफ्ट्स तो दिए गए ही हैं। दिस इज योर मोड सिलेक्टर। इस गाड़ी में इन द टिगुआन आपको 4 मोशन ऑल व्हील ड्राइव मिलता है। यू डू नॉट गेट अ प्रॉपर लो रेशियो 4x4 लेकिन 4 मोशन ऑल व्हील ड्राइव यहाँ पे जो दिया गया है इट इज क्वाइट गुड। आपको जितनी भी जरूरतें हैं वो यहाँ पे सारी ही अच्छे से दे आर टेकन केयर ऑफ। तो जस्ट चेक आउट द स्क्रीन नाउ, जब आप इसे चेंज करते हो यू हैव स्नो, देन यू हैव योर नॉर्मल ड्राइविंग मोड जहां पे आप इको, नॉर्मल, स्पोर्ट या इंडिविजुअल सेट कर सकते हो। देन यू हैव ऑफ रोड जब आप खराब रास्तों पे से गाड़ी चलाओगे, एंड देन यू हैव ऑफ रोड इंडिविजुअल जहां पे आप ये देखिए किस तरीके से काफी सारे चेंजेस मैन्युअली भी कर सकते हो जस्ट टू मेक श्योर दैट द कार सूट्स द टेरेन रिक्वायरमेंट। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स पुट टुगेदर मेक द टिगुआन्स 4 मोशन ऑल व्हील ड्राइव क्वाइट केपेबल to you know make sure ki aap kisi tricky situation mein agar phans jate ho you will still get out of it very easily। leather wrap seats milte hain aapko Volkswagen Tiguan mein, kafi acche hain, side bolstering bhi kafi acchi hai and you have these contrast piping over here
which make it look very nice. Integrated headrest, ये आगे पीछे भी आप कर सकते हो to get the optimum amount of comfort. Also seat की जो compound है, it is nice, it is not too soft, तो इसकी वजह से आपको long drives में काफी comfort मिलेगा. Also जो bolstering यहाँ पे भी दी गई है on the seat back, it is very nice, it keeps you in place very nicely. तो जब आप इस गाड़ी को तेज चलाओगे, you will feel very very comfortable. Also ये गाड़ी जो है, you can drive it really really sharp compared to other SUVs in the segment. And because of that, these seats with this additional bolstering is a very very useful thing. आपको in the Volkswagen Tiguan electric adjustment मिलता है with memory function here on the driver seat. Lumbar support भी आपको adjustment मिलती है. But the front seat over here for the passenger is manual adjustment. तो यहाँ पे एक lever दिया गया है to you know move it front and back. And you have your conventional placement for your seat back. आपको काफी decent storage points दिए गए हैं. You have a very nice felt lining वाला door pocket over here. You have another storage spot over here जहाँ पे मैंने अभी phone रखे हैं. You have this sliding box over here जहाँ पे आप bottle holders use कर सकते हो. इस तरीके से bottle holders pop up होते हैं. This also is very useful. You have storage spot under this armrest as well. और ये जो armrest है ये आगे पीछे slide भी होता है. So you can sit comfortably inside the Volkswagen Tiguan. तो practicality में भी काफी सारे storage points दिए गए हैं in this SUV. अब यहाँ पे आपको एक और storage point दिया गया है, तो you can store some extra oddities as well. Tailgate open करने के लिए ये button है यहाँ पे. These are your headlamp controls, your door lock and unlock, and this is your standard buttons over here to make use of your windows. यहाँ पे आपको leather finish दी गई है, so यहाँ पे जब आप हाथ रेस्ट करोगे, you will not get that hard plastic feeling. And this over here, अभी दिन में हम shoot कर रहे हैं, तो आपको दिखाई नहीं देगा, but you have ambient lights on the Volkswagen Tiguan. और ambient lights जो हैं, वो यहाँ पे roof liner पे भी दिए गए हैं, over here. Just highlighting the sunroof area in the Tiguan. Now let's jump to the second roof of this car. ये एक 5-seater SUV है. This is not a big 7-seat SUV. महंगी जरूर है Tiguan. It costs 31.5 lakh एक showroom for the top trim. अभी देखिए मैं बैठा हूँ behind my own driving position. मेरी height है 5'8" और देखिए कितना leg room available है. Under thigh support भी decent है. It is not really optimum. थोड़ा better हो सकता था ये. Because the seat is a little low, तो access आपको काफी आसानी से मिल जाता है. But then thigh support is a little less. यहाँ पे ये tray दिए गए हैं आपको. तो just in case अगर आपको काम करना है या if you want to just eat when you are on the move, आप ये tray use कर सकते हो. You have rare AC vents given over here. You have controls over here to you know change the temperature. So total 3-zone climate control मिलता है आपको in the Volkswagen Tiguan. You have a charging point. And then you have your standard armrest with cup holders, and these seats over here have 3 headrests. ये center headrest जो है, ये भी height adjustable है, ये देखिए. So there is no compromise in terms of comfort. ये जो seat back है in the Volkswagen Tiguan, ये देखिए आप recline कर सकते हो. There are multiple stages, so depending on how you want to sit, you can adjust this to feel comfortable. Headroom भी देखिए decent है. I am 5'8", लेकिन अगर आपकी height 6 feet या आप 6 feet से ज़्यादा tall हो, आपको शायद ये थोड़ा tight लगेगा. You have retractable grab handles over here, LED cabin lamps, and then everything else is pretty much standard. हाथ रखने के लिए यहाँ पे भी आपको leather wrap दिया गया है, so there is no hard plastic feeling. There is a decent bottle holder over here as well. और नीचे footroom भी देखिए काफी generous है, तो कोई भी complaints नहीं है in terms of the comfort department. But ये transmission hub जो है, again it is very very massive. तो fifth occupant को इस तरीके से पैर दोनों तरफ इसके रखने पड़ेंगे. There is no work around solution to this. और जब आप यहाँ पे बैठोगे as the fifth occupant, seat bench जो है वो थोड़ा raised है, and then the roof over here is very close to your head. तो आपको headroom जो है वो थोड़ा tight feel होगा as a fifth passenger in the Tiguan. पीछे जब आप देखोगे, you have a parcel tray area, यहाँ पे आप चीजें रख सकते हो, and things will be kept in place. यहाँ पे काफी सारी actually आप चीजें रख सकोगे, so maybe your purses or your backpacks, this can be over here, and then you are good to go on a long drive. You have coat hooks over here, दोनों ही तरफ आपको coat hooks दिए गए हैं on the bay pillar, and you also have a coat hook here on this grab handle as well. So the Volkswagen Tiguan is quite practical on the inside. Yes, ये बड़ी नहीं है. This is a 5-seater SUV for a lot of money. लेकिन space genuinely काफी अच्छी है, and it is very rare
कि आप एक 7-सीटर एसयूवी खरीद के 7 लोग एक जर्नी पे निकल जाते हो. सो इन दैट रिस्पेक्ट दिस कार मेक्स अ लॉट मोर सेंस बिकॉज इट ड्राइव्स वेल. इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स जो है वो काफी अच्छी है. सो डू चेक द ड्राइव वीडियो जो हमने अपलोड किया है. एंड ऑल्सो द गुड थिंग इज देयर इज डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर 5 पीपल हियर इन द कैबिन एंड इट लुक्स वेरी नाइस रिच एंड प्रीमियम एज वेल. तो आप हमें कमेंट्स में बताइए क्या लगता है आपको अबाउट दिस Volkswagen Tiguan. क्या ये गाड़ी आप खरीदना पसंद करोगे? क्या आपको लगता है ये गाड़ी जो है इट इज गुड इनफ फॉर योर फैमिली रिक्वायरमेंट फॉर योर डेली ड्राइव? क्या ये आपके ईगो को मसाज करेगी या फिर आपको एक टिपिकल बिग बैडएस बुच एसयूवी ही चाहिए विच इज गोइंग टू गिव यू मोर रियल एस्टेट ऑन द स्ट्रीट्स एंड मोर स्ट्रीट प्रेजेंस. माई फेवरेट थिंग इन द Volkswagen Tiguan इज दिस मैसिव पैनोरामिक ग्लास रूफ विच अलाउज अ लॉट ऑफ लाइट और जब आप रात को चलाते हो इट एड्स अ लॉट ऑफ ड्रामा एज वेल. गुड बाय, ड्राइव सेफ, सब्सक्राइब कीजिए शिफ्टिंग गियर्स के चैनल को एंड डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस Volkswagen Tiguan. सी यू सून.